SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. उत्तर भारतीय बॉक्सर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हार गई हैं, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सभी ने उन्हें बधाई दी और उनके प्रयासों को सराहा। इंडियन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। सेमीफाइनल मुकाबले में लवलीना हार गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इतिहास रच दिया। 59 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बॉक्सर हैं। इसके अलावा ओलंपिक के इतिहास में भी लवलीना के अलावा भारत के दो ही बॉक्सर मेडल जीत पाए हैं। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर लवलीना को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लवलीना बहुत अच्छी तरह से लड़ी, उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि लवलीना का शानदार प्रदर्शन सभी लोगों के लिए गर्व का पल। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि आप एक चैंपियन की तरह लड़ी, लवलीना का प्रदर्शन देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लवलीना ने जो हासिल किया उस पर देश को गर्व है। अपने प्रदेश की बेटी के इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि लवलीना का नाम असम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी देश की बेटी लवलीना को बधाई दी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।